गृह मंत्री के बयान से नाराज हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पंडित नेहरू पर दिए गए बयान पर उठाए सवाल, 370 के लिए पंडित नेहरू को ठहराया था जिम्मेदार। हर घर नल योजना की भी अब खुलने लगी पोल, सुरनकोट की धारा, सांगला पंचायत में नहीं पहुंचा पानी, प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी ढाने को मजबूर हुए लोग। जीएमसी की कोबास लैब में मिलेंगी नई सुविधाएं, कई किस्म के नए टेस्ट करने की तैयारी में प्रशासन, बाहरी राज्यों के मरीजों को भी दी जाएगी सुविधा। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और जम्मू कश्मीर की इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। शुरुआत कुछ अहम खबरों से करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू पर दिए गए वक्तव्य पर सवाल उठाए हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जहर उगलने का आरोप लगाया है। गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में अनुच्छेद 370 के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। इस खबर पर अपडेट लेंगे, लेकिन पहले आपको बताएंगे कि कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को लेकर एक अहम फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है वो बरकरार रहेगा, लेकिन उससे पहले अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह द्वारा एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इसके लिए जिम्मेदार जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। लेकिन उसके बाद अब ये नाराजगी जो है ये साफ तौर पर यहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यहां पर जाहिर किया है। उसी के चलते फिलहाल पूरी अपडेट लेंगे। हमारे साथ अनिल शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता जम्मू से हैं। अनिल, ये जो बयान यहां पर दिया है फारूक अब्दुल्ला ने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, इन्होंने कहा है कि उसके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार नहीं है बल्कि कुछ और लोग हैं जो इस कैबिनेट में बैठे हुए थे जिसमें उन्होंने कुछ और लोगों का नाम भी लिया है, तो कैसे इस बयान को देखा जा सकता है? देखिए, लगातार संसद भवन में हमने देखा कि किस तरह से बयानबाजी जो है वो देखने को मिली है और तीखी नोकझोंक जो तक जो है वो रही है और कहीं ना कहीं ये साफ है। और इस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं तो इस बयान को लेकर जो है वो भी सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। जब कश्मीर की बात करते हैं तो इस तरह के बयानबाजी करना, हालांकि देश के गृह मंत्री ने सदन में जरूर साफ कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं तो उनकी जो गलतियां रही हैं उसी के कारण जो है जम्मू कश्मीर में ये हालात रहे हैं और जम्मू कश्मीर जो है अमनो चैन के साथ यहाँ पर नहीं रह सकता था। मगर अब पूरी तरह से अमनो चैन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है और वहीं पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पूरी तरह से समर्थन में उतरते हुए ये कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो इस समय जहर उगलने की राजनीतिक जो की जा रही है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो इस बयान के बाद जो है अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी सियासत जो है और भी गर्मा चुकी है। और क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि कल भी देश के गृह मंत्री की बात करते हैं तो सदन में जिस तरह से दोनों विधायकों को जो है वो पारित किया गया है दोनों सभाओं में, चाहे वो राज्यसभा हो लोकसभा हो, तो कहीं ना कहीं उसके बाद भी राजनीति पूरी तरह से गर्माई हुई है। कल हमने देखा कि जब सदन के अंदर गृह मंत्री जो है अपना अभिभाषण रख रहे थे तो उस अभिभाषण में उन्होंने ये साफ कहा कि जम्मू कश्मीर में चाहे वो आतंकवाद हो, कहीं ना कहीं जो नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने कर दिखाया है भाजपा ने और केंद्र की सरकार ने जो आत्मसमर्पण हमने देखे हैं वो कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसी तरह की नीति को पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन करना होगा। और जो कहीं ना कहीं आतंक के राह पर चल चुके हैं और कहीं ना कहीं ये जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं जो उनकी तरफ से बयान किए गए हैं तो कहीं ना कहीं उनका ये साफ कहना है कि इस तरह की टिप्पणी करना ये सही मायने में सही नहीं था। अनिल, क्या क्या इस फैसले के बाद जो 370 पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, क्या आपको लगता है ये कुछ लोगों की बौखलाहट जो है वो बयां कर रही है? क्योंकि उन्हें उम्मीद थी ये फैसला उनके पक्ष में होगा लेकिन उनके पक्ष में नहीं हुआ, तो इस तरह की बयानबाजी अब अलग अलग नेताओं द्वारा सामने निकल कर आ रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के कुछ रीजनल पार्टीज के नेता हों, पूर्व मुख्यमंत्री हों, उनके बयान चाहे वो ट्वीट के माध्यम से हो या मीडिया के माध्यम से हो वो सामने आ रहे हैं, तो क्या एक बौखलाहट जो है वो जाहिर कर रहा है यहाँ पे इन बयानों से? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो अपनी बातें हैं वो जरूर रखी जा रही है, चाहे वो मीडिया के माध्यम हो या फिर एक्स के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं शायराना अंदाज में किए जा रहे हैं और कुछ मीडिया के सामने
पूरी तरह से मुखातिब होकर जो है अपने बयान दिए जा रहे हैं, चाहे कल भी हमने जिक्र किया था उद्धव ठाकरे हो या फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर अन्य नेता हो जो जम्मू कश्मीर के ऊपर भी अपनी टीका टिप्पणियां जो है वो करते हुए नजर आए। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे साफ किया है और पूरी तरह से मोहर लगाई है कि जो 370 था वो कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से जो है सही नहीं था, वो कहीं ना कहीं आप इस पर पूरी तरह से मोहर लगा दी है और फाइनल वर्डिक्ट भी आ चुका है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि किस तरह से टीका टिप्पणियां जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही है और अलग अलग बयान जो है वो तमाम लोगों की तरफ से, तमाम सियासतदानों की तरफ से शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल ज़रूर अनिल, एक सवाल और रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जल्द से जल्द इनको स्टेटहुड यहाँ पर दिया जाए और साथ ही साथ चुनाव करवाए जाए, उसके लिए डेडलाइन भी साफ कर दी है। तो क्या आपको लगता है यहाँ एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट है उन लोगों के लिए जो 370 के पक्ष में थे, उन्हें ये भरोसा मिला है कि यहाँ पर जल्दी जल्दी चुनाव होंगे? और अगर हम यहाँ की अभी सरगर्मियों की बात करें, राजनीतिक सरगर्मियों की बात करें, तो चुनावों के नजरिए से क्या लगता है आगे आने वाले समय में किस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी? और ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं जो कोर्ट की तरफ से कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, न्यायालय की तरफ से कहा गया है और उसी के बाद जो है वो आपने देखा होगा कि चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हैं या फिर अन्य नेता हैं, वो बयान कर रहे थे कि आखिर ये फैसला जो है वो कहीं ना कहीं जो पेटिशनर है उनके हक में तो नहीं आया, तो आखिर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है और चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं। तो इस पे कहीं ना कहीं मोहर लग चुकी है और ये साफ कह दिया गया है कि जल्द जो है इस पर भारत सरकार नीति तैयार करे और राज्य के दर्जे की बात करते हैं, चुनावों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये जो अटकलें थी वो साफ होती हुई नजर आ रही हैं और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में आप चुनाव भी देखेंगे, सरगर्मियां भी देखेंगे और धीरे धीरे अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के भी चुनाव, हालांकि इसका कोई फाइनल डेट जो है वो अभी जारी नहीं किया गया है, मगर अब ये साफ है कि अगला वर्ष 2024 जो है वो चुनावों से भरा रहने वाला है और सरगर्मियां चाहे वो देश से लेके अगर हम बात करते हैं कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक आपको सरगर्मियां तेज भी नजर आएगी। बिल्कुल, लोकसभा के चुनाव भी हैं और पॉसिबल है कि विधानसभा के चुनाव भी जम्मू कश्मीर में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अनिल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि हो सकता है यहाँ पर अगले साल जो है जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव भी होंगे। आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर नल योजना सुरनकोट की द्वारा सांगला पंचायत में कोई अहमियत नहीं रखती है। इस पंचायत के हर घर में नल के माध्यम से पानी नहीं पहुंच पाया है और लोग इस आधुनिक युग में भी प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर हैं। इस खबर पर और जानकारी लेंगे लेकिन पहले आपको ये तस्वीरें बताएंगे कि आखिर किस तरह से आज भी आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यानी जो उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं उनसे उनको वंचित रखा गया है। केंद्र सरकार ने एक योजना जो है ये पूरे देश के अंदर चलाई थी, हर घर नल योजना जो है वो चलाई थी, लेकिन फिलहाल इस योजना से ये लोग काफ़ी ज़्यादा दूर नज़र आ रहे हैं, जो आप खुद देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर से इन्हें पानी जो है वो ढोना पड़ता है और जो नेचुरल रिसोर्सेज पानी के हैं वहीं से लाना पड़ता है, लेकिन वो घर के आसपास नहीं होते हैं, वो काफ़ी दूर होते हैं। चाहे वो 2 किलोमीटर की बात करें, कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर 3, 4, 5 किलोमीटर तक भी इन्हें पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। यहां पर सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं कि एक तरफ जो दावे पूरे देश में योजनाएं चलाने की, और पिछले कुछ दिनों में भारत संकल्प यात्रा भी आपने देखा होगा किस तरह से केंद्र सरकार द्वारा यहां पर चलाई गई, जिसमें विभिन्न विभिन्न योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, उन योजनाओं के क्या फायदे हैं या आगामी योजनाएं क्या होंगी उस पर भी चर्चा की गई, लेकिन फिलहाल जो हर घर नल योजना है इसके तहत यहाँ के लोगों को कोई फायदा नहीं देखने को मिल रहा है। मात्र ये योजनाएं कागजी योजनाएं दिख रही हैं और जमीनी स्तर पर इनका कोई प्रभाव फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। हमारे साथ आकाश मलिक हमारे संवाददाता सुरनकोट से जुड़ गए हैं। आकाश, ये केंद्र सरकार की योजना है, हर घर नल योजना है, हर घर नल पहुंचाना है, लेकिन फिलहाल ये जो लोग हैं ये दूर दूर से पानी ढो रहे हैं, आखिर वजह क्या है कि आज तक ये लोग जो हैं इन्हें इस योजना के अंतर्गत पानी नहीं मिल पा रहा है?
जी जितने मैं आपको बताता चलूं, सांगला धरा, सांगला सोलन कोर से एक दूर दराज इलाका है। यहाँ पे जो है शुरू से ही जो है पानी की व्यवस्था जो है नहीं रही, क्योंकि सरकार की तरफ से जो है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हर घर नल। देखिए जमीनी सतह पे हमने देखा आज भी जो है लोग 1947 वाली जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पे कई सारे लोगों से भी हमने बात की, उनका कहना है कि शुरू से ही यहाँ पे जो है पाइप्स नहीं लगी, सरकार की तरफ से बड़े बड़े यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, जल जीवन मिशन स्कीम के तहत प्रोजेक्ट लॉन्च किए, लेकिन आज भी जो है जमीनी सतह पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। लोगों को दूर दराज इलाका से पानी लाना पड़ता है, जिससे जो है आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शीतल, बिल्कुल आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आकाश, वहां पर जो लोग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो यहाँ पे सरपंचेस पंचेस हैं चुने गए थे, क्या वो कोई कदम नहीं उठा रहे हैं? वहां के सरपंच की बात करें, वहां पे ये जो इलाका है दरअसल सांगला पंचायत, इनके जो सरपंच थे मरहूम तो रशीद साहब, इनका जो है बीडीओ के पास था, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, आज तक कोई भी जो है वहां पाइप नहीं बिछाई गई। आज भी लोग जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया, 1947 की जिंदगी जी रहे, लोगों ने कई बार मांग की प्रशासन से, लेकिन जमीनी सतह पे वैसा दावे जो है किए जाते हैं वो बिल्कुल खोखले सामने वाले ने, और लोगों को जो है दूर दराज इलाका से जो है पंप से पानी लाना पड़ता है, या कई सारी ऐसी बादली जिसको हम बोलते हैं उधर से पानी लाना पड़ता है, और आज भी जो है लोग मुश्किल का सामना करना पड़े। जी बिल्कुल आकाश, अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जरूर भारत संकल्प यात्रा भी पूरे देश में चलाई गई, उसमें अलग अलग, अगर हम हिली एरियाज की बात करें, रूरल एरियाज की बात करें, वहां पर भी इस यात्रा का प्रभाव देखने को मिला। उसमें ये बताया गया कि आपको केंद्र सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, या आगामी जो योजनाएं हैं उसमें क्या क्या लाभ आप उठा सकते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत यहाँ पर बिल्कुल भी लाभ देखने को नहीं मिल रहा है। जी हाँ, सरकार की तरफ से तो बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो डिपार्टमेंट की एक्सिन हो या एडब्ल्यू हो या वहां के मकामी जो उनकी तरफ से जो है इसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, लेकिन जमीनी सतह पे इंप्लीमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से लोग आज भी दूर दराज इलाका में, कई सारे इलाका है, सुरनकोट तहसील पूरी की बात करें, अवरल तहसील सुरनकोट में भी आज की डेट में बात करें, सुरनकोट के कई सारे वार्ड से म्यूनसिपल एरिया में, उसमें भी कई दिनों से, पिछले 5 दिनों से पानी नहीं है। पानी के हवाले से बात करें, लोग जो है इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। जी क्या कोई अभी पाइपलाइन वहां पर बिछाई गई है, क्या कोई प्रोजेक्ट वहां पर अभी लॉन्च किया गया है, या अभी भी इस चीज से लोग वहां के काफी दूर हैं, कोई हरकत नहीं की गई है अभी तक? अभी तक जो है कोई भी प्रोजेक्ट वहां लॉन्च नहीं किया गया, मकामी जो है डिपार्टमेंट के एडब्ल्यू से बात करने की कोशिश की तो बात नहीं हो पाई, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं, सुरनकोट तहसील की बताऊं, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां आज भी काफी सारी पाइपें टूटी हैं, कई बार पहले भी खबर की, लेकिन डिपार्टमेंट को जो है तस से मस नहीं हो रही, और कोई भी अभी तक जो है जमीनी सतह पर एक्शन नहीं हुआ। जी बिल्कुल, कोई जमीनी स्तर पर जो है एक्शन नहीं हो रहा है। क्या लगता है अगला कदम क्या होगा इन आम लोगों का, क्योंकि आप वहां पर पहुंचे, आपने आम लोगों से बातचीत की, उनको काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। सिर्फ एक ही मांग है, अगर आने वाले एक हफ्ते या डेढ़ हफ्ते या 15 दिन तक देखेंगे, अगर कोई भी ना हुआ तो उनने कहा है कि नेशनल हाईवे भी ब्लॉक कर सकते हैं आने वाले वक्त में। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश ये तमाम जानकारी के लिए। और ये लोग जो हैं ये काफी दिक्कतों में हैं, क्योंकि इन तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ इन तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिस वजह से ये दर बदर भटकते हैं, चाहे वो एक्सन हो, PHXN हो, या AEE हो, बाकी अन्य जो मुलाजिम हैं उनके पास, लेकिन फिलहाल अभी तक इनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है, कोई भी प्रोजेक्ट वहां पर जो है वो पानी से संबंधित नहीं पहुंचाया गया है। जम्मू के GMC अस्पताल में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की कोबास लैब में जल्द ही कुछ नए टेस्ट करने की सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। इस लैब में पहले से ही कई टेस्ट करने की सुविधा लोगों को दी जा रही है, और डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर संदीप डोगरा के मुताबिक अब जो सुविधा इस लैब में देने की तैयारी की जा रही है उसका लाभ बाहरी राज्यों में मरीजों को भी मिल पाएगा। इन सभी टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटों के बाद मरीजों को दे दी जाएगी। H1N1 हमारी जो कोबास लैब है, H1N1 की फैसिलिटी वहाँ पे उपलब्ध है, और कोबास लैब में हम H1N1 टेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ में हमने कोबास लैब में ही, जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे आपको पता होगा कि बहुत जल्दी हम इसमें HIV वायरल लोड भी शुरू करने वाले हैं, जो जिसकी बात हमारी जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साथ चल रही है, बहुत ही जल्दी हम जम्मू के अवाम को, ये वो टेस्ट थे जो यहाँ से बाहर जाया करते थे, बहुत ही जल्दी हम जम्मू और शायद बाहर की आसपास की स्टेट्स के जो सैंपल्स हैं उनको यहीं पे टेस्ट करके नेक्स्ट डे उनकी रिपोर्ट्स दे देंगे। और उसके साथ साथ हमारे पास जो COVID-19 की फैसिलिटी है, H1N1 की फैसिलिटी है, डेंगू की फैसिलिटी है, और बहुत ही जल्दी हम कोबास में मल्टीप्लेक्स टेस्टिंग
जो जिसमें कि एक ही पीसीआर के अंदर हम 20-30 जो एजेंट होते हैं इन्फेक्शन कॉज करने वाले, उनको एक साथ ही ढूंढ पाएंगे। ये फैसिलिटी भी हम कुबास लैब में अब जल्दी शुरू करने वाले हैं। जो कुबास फैसिलिटी है वो एक हाई थ्रोटपुट लैब की फैसिलिटी है, जिसमें कि बहुत सारे सैंपल्स एक साथ रन हो सकते हैं। वो छोटे टेस्टों के लिए नहीं है, उसमें हमें ज़्यादा वॉल्यूम लोड चाहिए होता है ताकि उसकी जो कॉस्टिंग है वो सही रहे और मशीन को जो चलाने के लिए जितना सैंपल चाहिए होता है वो उसको मिले। उसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया है कि जो नैको जो हमारा जो प्रोग्राम रन करते हैं कि अगर हमें नेबरिंग स्टेट से भी अगर सैंपल मिल जाएंगे तो हम लोग वो सैंपल भी टेस्ट कर सकते हैं। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा जगह जगह हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं। अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जिला सांबा के ब्लॉक पुरमंडल के खड़ा मडाना में भी हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर का निर्माण किया गया है। इस सेंटर के खुलने से लोगों को कितना लाभ मिल रहा है, पेश एक रिपोर्ट। है जिला सांबा के पुरमंडल ब्लॉक के खड़ा मडाना के हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर की। लोगों के मुताबिक सरकार ने यहाँ इमारत तो खड़ी कर दी है, लेकिन अभी तक इस इमारत में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई है। डिस्पेंसरी थी, अभी ये बिल्डिंग कुछ साल पहले बनी है। आपके माध्यम से हम आवाज उठाते रहे, ये हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खड़ा मडाना है। तो बिल्डिंग तो बनी है, अभी आप देख ही रहे हो कि अभी कुछ दिन पहले ही जहां पर ये काम काज जो है एक साल शुरू हुआ है। तो जहां तक ओपीडी रोज जो लोगों की है वो 25-30 लोग जहां पर खड़ा मडाना सुंबली से ऊपर जो हमारे जे नियरेस्ट बारी खड है, बीरपुर है, तकार है, तो ओपीडी तो जहां पर चलती है। तो बड़ी सारी जो मेडिसिन है उसकी भी कमी है, डॉक्टरों की कमी है, एसओ की कमी है, सफाई वाला कोई नहीं है, है ना। तो जे हम समय समय पर जो हमारे जो ब्लॉक के ऑफिसर हैं बीएमओ सर से कर। ग्रामीणों के मुताबिक स्टाफ के साथ साथ इस सेंटर में दवाइयों की भी कमी है। इसके साथ ही सेंटर में किसी भी प्रकार के टेस्ट की कोई सुविधा नहीं है, इसके लिए उन्हें पुरमंडल, स्मैलपुर या फिर सतवारी जाना पड़ता है। इन लोगों ने सरकार से इस सेंटर में टेस्ट की सुविधा के अलावा एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी देने की मांग की है। हमें एक डॉक्टर और दिया जाए, क्योंकि बहुत जो ज्यादा एरिया है सराउंडिंग का, जहां अगर लगाया जाए तो जहां 5-6 किलोमीटर पीछे बीरपुर है, तो जहां फिर 10-12 किलोमीटर परमंडल है, तो अगर जहां की बात करें तो जहां स्मेल पर वगैरह लोगों को जाना पड़ता है, तो जहां पर प्रॉब्लम मशीन वगैरह एक्सरे की मशीन हो, अल्ट्रासाउंड की मशीन, मैंने बैक टू विलेज में भी कई बार अपनी बात को रखा है, बीएमओ को भी हमने अपना रिटर्न में दिया है। तो और सारी दिक्कतें, चाहे छोटे टेस्ट हैं, ब्लड का टेस्ट हो, शुगर का टेस्ट हो, है ना, तो लेबोरेटरी वगैरह जहां पर होनी चाहिए, छोटे छोटे टेस्ट जो है वो यहीं पर चलने चाहिए, लोगों को राहत मिले। बिल्डिंग तो इतनी बढ़ गई है, लेकिन बिल्डिंग के साथ साथ जो सेवाएं, जो लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए वो भी तो मिलनी चाहिए ना। अवेलेबल होना चाहिए डॉक्टर, जब कोई आएगा तो डॉक्टर अवेलेबल होगा तो वो कुछ ना कुछ बताएगा, मरीज कोई फायदा उठा पाएगा, नहीं तो मरीज को स्मेल पर जाना भागना पड़ेगा, सवारी भागना पड़ेगा, फिर हमें इस सेंटर का क्या फायदा होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम एक्सरे मशीन होनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड होनी चाहिए, जो कि जम्मू जाना पड़ता है या परमंडल जाना पड़ता है तो वहां लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तो वो लाइन में ना। यहां इमारत तो बना दी गई है, लेकिन इसकी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों ने सरकार से इस हेल्थ सेंटर की साफ सफाई के लिए सफाई कर्मचारी की नियुक्ति करने की भी मांग की है। सफाई करने के लिए हॉस्पिटल की इतनी बिल्डिंग बनी हुई है, इसका एक मुलाजिम होना चाहिए जो उसको साफ सफाई करे, कम से कम साफ सफाई रखेंगे। साफ सफाई के लिए तो पूरा देश कह रहा है, मोदी भी कह रहा है कि सफाई होनी चाहिए, तो सफाई के लिए। इस इलाके के लोगों ने अब स्वास्थ्य विभाग से जल्द इस सेंटर में मरीजों को तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है, ताकि इस इलाके के गरीब लोगों को इलाज के लिए अन्य अस्पतालों का रुख न करना पड़े। डिपार्टमेंट से जे आग्रह करना चाहता हूँ, इतना बड़ा परिसर है, आपने देखा बाहर, सफाई का, सफाई वाला कोई नहीं, कौन सफाई करेगा। तो दवाइयों की भी परेशानी है, दवाइयां वगैरह जो जहां पर आनी चाहिए, जैसे टेस्ट मैंने आपको बोला, ब्लड का टेस्ट, शुगर का टेस्ट, या और भी कोई जो टेस्ट है, वो टेस्ट जहां पर प्रॉपर होने चाहिए, ताकि लोग गांधीनगर, परमंडल, स्मैलपुर वगैरह ना जाएं, जहीं पर लोग रुके, जहीं पर सेवाएं मिले। सरकार ने प्रदेश में जगह जगह इस तरह के हेल्थ सेंटर तो बनाए हैं, लेकिन लोगों ने भी समय समय पर इनमें स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आवाज उठाई है।
जब तक सरकार इन सेंटरों में तमाम सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाएगी तब तक लोगों को बेहतर इलाज देने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट कन्हैया शर्मा के साथ अश्वनी चंदेल की यह रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। इधर सांबा पुलिस को एक और बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें माल मवेशी चोरी करने वालों को सांबा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सांबा पुलिस ने लोगों के माल मवेशी चुराने वाले जम्मू के दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों एक आलिशान कार में मवेशियों को ठूंस कर सांबा के सीमावर्ती इलाके से गुजर रहे थे लेकिन दोनों पकड़े गए। इन दोनों की पहचान जहूर अली उर्फ जुब्बा और शेर मोहम्मद उर्फ शेरू दोनों निवासी जम्मू के रूप में की गई है। चलिए इस खबर पर अपडेट लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि खजूरिया इस वक्त जुड़ गए हैं। ऋषि, एक बड़ी सफलता फिर से मिली है, यानी जो लोगों के मवेशी चुराने वाले लोग हैं उन्हें फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किस तरह से पुलिस तक ये सूचना पहुंची और कैसे कार्रवाई हुई है? देखिए बिल्कुल शीतल, आपको बता दें कि एक तरफ पशु तस्करी एक बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए बना, वो उस चैलेंज को लगातार पुलिस जो वो एक्सेप्ट कर लगातार इस तरह के जो शरारती तत्वों की गिरफ्तारी कर रही है। लेकिन इसी बीच जो कैटल लिफ्टर्स का अपडेट हमें जो मिल पा रहा है कि सांबा पुलिस ने दो कैटल लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया। आप ये कह सकते हैं कि एक कैटल लिफ्टर से गैंग का भांडाफोड़ पुलिस ने किया, जिसमें दो समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले ये कैटल लिफ्टर्स जो कि जम्मू से ताल्लुक रखते हैं और ये सांबा के अलग अलग एरियाज में खासतौर पर बॉर्डर इलाकों की बात करें तो यहाँ से कैटल्स को लिफ्ट कर रहे थे और एक लग्जरियस कार में इनको जो वो लोड किया जा रहा था जिसमें स्कॉडा कार का जिक्र किया गया, जिसमें ये जो इस तरह का जो प्रयास है इनकी तरफ से किया जा रहा था। अक्सर हमने देखा कि बड़ी गाड़ियां या लोड कैरियर गाड़ियों में इस तरह के प्रयास देखने को मिलते हैं लेकिन अब ये जो लग्जरियस कार्स हैं इसमें भी इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मेंटेलिटी, इनका जो माइंड सेट है वो किस तरह का होगा, किस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं। इनकी मैं सबसे पहले पहचान आपको कराना चाहता हूँ। ये जो दो इसमें कैटल लिफ्टर्स गिरफ्तार किए गए, एक जबूर अली है जो कि जम्मू का रहने वाला और दूसरा है शेर मोहम्मद, ये भी जम्मू का रहने वाला। तो ये दो जो कुख्यात कैटल लिफ्टर्स हैं अब इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंटरोगेशन जो वो लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है और सीरीज ऑफ रेड जो वो लगातार अलग अलग इलाकों में कंडक्ट की जा रही है, खासतौर पर इनके जो हाइडआउट्स रहते हैं वहां तक पुलिस जो वो पहुंचने की कोशिश कर रही है और इसमें कार भी पुलिस ने जब्त कर लिया और जो कैटल लिफ्टर्स जो लिफ्ट किए गए थे कैटल अलग इलाकों से उनको भी पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि हम एक तरफ अभी लगातार पशु तस्करी से जो है वो जूझते नजर आ रहे हैं, ये तस्करी जो पुलिस के लिए भी एक सिरदर्दी बना हुआ है। लेकिन अब जो अलग अलग एरिया से आप खासतौर पर जो लोगों ने अपने घरों के आसपास कऊ शेड बनाए होते हैं वहां से जो जो पशु है उनको चुराया जाता है और खासतौर पर मैं सांबा का ओवरऑल अगर देखूं तो जो हमारा हेडक्वार्टर है सांबा, इससे यहाँ पर भी इस तरह की कई वारदातें पेश आ चुकी हैं। कई जो मंडियां हैं सांबा की यहाँ से देर रात को ऐसे इनपुट्स हासिल होते हैं कि यहाँ पर लोगों के घरों के बाहर जो इस तरह के लोग जो वो जो घूमते नजर आते हैं गाड़ियां लेकर, वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर पशु है वो वहां से वो चुराते हैं। बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि इसको लेकर भी पुलिस ने रणनीति बनाई है। खासतौर पर जिस तरह से क्राइम रिव्यू मीटिंग का जो दौर है वो जिला सांबा में ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसमें जो जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी है वो सांबा पहुंचते हैं, जो हमारे जिला के हेड है SSP सांबा बेनाम तो जी वो भी अपने ऑफिसर्स के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए की जा रही है ताकि क्राइम को खत्म किया जाए, क्रिमिनल्स की धरपकड़ की जाए, उसी को लेकर योजनाबद्ध तरीके से जो रणनीति बनाई जा रही है। बिल्कुल, और पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं और सांबा पुलिस को बड़ी बड़ी सफलताएं भी हाथ लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें ये दो लोग जो है ये जम्मू से पकड़े गए हैं, सांबा से पकड़े गए हैं, सांबा पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और इनका जो मामला है वो कहीं ना कहीं माल मवेशी को चुराने में इनका हाथ था और एक लग्जरी गाड़ी में इनको उठाया जा रहा था, उसके बाद इन दोनों को पुलिस ने फिलहाल के लिए गिरफ्तार किया है और आगे की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। इस साल 17 अक्टूबर को बारिश में क्षतिग्रस्त हुए जम्मू के प्राचीन श्री रणवेश्वर मंदिर में मरम्मत का काम जोरों शोरों से जारी है। इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था लेकिन उनके विरोध को देखते हुए धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा इसे फिर से खोल दिया गया है। धर्मार्थ ट्रस्ट ने कुछ दिन पहले ही इसकी मरम्मत का काम शुरू करवाया था जो तेजी से जारी है और अगर मौसम ने यूं ही साथ दिया तो इसे जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि अगले साल शिवरात्रि तक मंदिर की मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा। तो पहले तो मंदिर यात्रियों के लिए बंद था, कोई दर्शन श्रद्धालु नहीं कर सकता, सिर्फ बाहर खड़ा हो गया दर्शन करो तो बाहर जाओ। फिर वो लोगों के कहने पे और वो जो बाहर से टीम आई थी उनके सुझाव से इन्होंने मंदिर खोल तो दिया, भाई श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं पर अगर जल लेना भी है किसी ने तो एक लोटा जल ले जाएगा, तो उसी में करना वो नहीं है कि जैसे पहले था शिव जी को चढ़ता था जल बाल्टी को बाल्टी चढ़ने का, वो इन्होंने अभी बंद अभी किया बंद। तो बाकी धर्मार्थ ट्रस्ट इनिशिएटिव ले रहा है बहुत ज़्यादा,
तो एज इट इज जैसे था पहले उसकी शेप दे रहे हैं पूरी, वही वैसे ही शेप आ रहे हैं मंदिर की, ताकि जो पुराना महाराजा साहब का जो सिस्टम चल रहा था जैसे उन्होंने उस डिज़ाइन पे बनाया था, उसी डिज़ाइन पे ये मंदिर दोबारा तैयार हो जाए। सर लगा तो हुआ काम अब, तो ये कोई 8-10 दिन में ये इतना खड़ा इतना हो गया, तो कोशिश कर रहे हैं कि शिवरात्रि से पहले पहले जैसे इन्होंने बोला ठेकेदार साहब जो लगे हैं इनके, इन्होंने बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं कि शिवरात्रि से पहले पहले मंदिर एज इट इज़ जैसे था पहले उसी पोजीशन में दोबारा मंदिर आ जाए। अच्छा ठीक काम चल रहा है, पर पहले से अच्छा बन रहा है, तो धर्मा ट्रस्ट वाले बना रहे हैं अब मंदिर। हम सोचते हैं कि मंदिर शिवरात्रि से पहले पहले तैयार हो जाएगा, अंदर भी नालियाँ नहीं बनेंगी सारी, क्योंकि पानी ज़मीन में जाता है, ज़मीन नरम हो जाती है, उससे मंदिर पुराना मंदिर तो है, प्राचीन मंदिर है, बहुत बड़े बड़े पुराने श्रद्धालु इधर आते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी शिवरात्रि से पहले पहले ये तैयार होगा। भक्त लोग आ रहे हैं, थोड़े बहुत जल चढ़ाना बंद किया हुआ है, अभी जल नहीं चढ़ाने दे रहे हैं तो गीला होगा, पानी ज़मीन में फिर जाएगा, इसलिए अब नया बनेगा नालियाँ शाली, तो हो सकता है शायद शिवरात्रि से पहले पहले ही तैयार हो जाए। काफ़ी अच्छा काम, तेज़ी से काम चल रहा है। अब धर्मा ट्रस्ट ने लगाया काम, इसका ठीक ठाक चल रहा है और काफ़ी अच्छी स्पीड से चल रहा है काम, और लगता है जल्दी ही हो जाएगा, और लोग यात्रु आना जाना, लोग यात्रु तो अभी भी यात्रु के भक्त अभी भी आ रहे हैं, ये बात नहीं कि ये कि बाकी जल छल चढ़ाना बंद किया हुआ है, बाकी पूजा सब चल रही है, और बाहर से भी लोग काफ़ी आते हैं, जो भी यात्रु आता है कटरा या जहाँ भी जाता है वो इधर भी आते हैं। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ये बड़ा सिद्ध मंदिर है, ये वो जल अभिषेक नहीं हो रहा, दूध दयाल जो भी चलाते हैं वो पंचामृत वो नहीं दे चला रहे, जो है सूखा प्रसाद सूखा सब चल रहा है वो। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।